हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सबको ये अच्छे होंगे। आज मैं जो जिस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ, एक्चुअली होता ये है कि देखिए, जब आप जब ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, आपको पता है कि अमेजन है, बहुत सारी ई कॉमर्स साइट है जहाँ पे आप लोग शॉपिंग वगैरह ऑनलाइन करते हैं। तो जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मंत्रा हो गया, क्लॉथ फैक्ट्री एंड मेशो, ऐसा बहुत सारे ऑनलाइन जो ई कॉमर्स साइट है। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन जाके कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट आप लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, आप महीने में बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे, तो ऐसे में आपको, आप सिर्फ खरीदने का पैसा दे रहे हैं जबकि आपको कुछ मिल नहीं रहा है। मैं आज उसी टॉपिक में बात करूंगा। जैसे कि आप जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं, ठीक है, आपने जो चीज़ें खरीद रहे हैं उसका कमीशन आपको कैसे मिले। ठीक है, मान के चलिए कि आप अमेजन से कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, ठीक है, और आप उसे, आप क्या कर रहे हैं, आप कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं, या तो फिर कैश ऑन डिलीवरी जहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पे आप जो है आप ऑनलाइन जो पे वगैरह करते हैं, जैसे भीम यूपीआई हो गया, आपका नेट बैंकिंग थ्रू हो गया, बहुत सारे चीज़ें आप ऐसा करते रहते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आप जब जो भी सामान आप ऑनलाइन खरीदेंगे उसका कमीशन जो है, सबका सब प्रोडक्ट का अलग अलग कमीशन पार्ट होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे 4% है, और बाकी सारे चीज़ें जो है ऐसे ऐसे बहुत सारे, मतलब कमीशन जो का पार्ट, जो पार्ट है वो 1 से लेकर 9 तक है। ठीक है, 1 to 9 तक परसेंटेज है, कमीशन की जो परसेंटेज होती है वहाँ पे वो 1 से लेकर 9 तक है। ठीक है, आपको, आप उसी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं। अगर मैं जो बात करने जा रहा हूँ, एक्चुअली ये अफिलिएट की बात है। ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग ये होता है कि मान के चलिए किसी भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट आपका नहीं है, किसी और का है, आप उसको प्रमोट करो और उसके बदले में आपको कमीशन मिलता है। ठीक है, आज मैं बात करूंगा, एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, और उसमें क्या क्या टूल्स वगैरह यूज़ किया जाता है, एक्चुअली उसका प्रोसीजर क्या है एफिलिएट करने का, मैं उसी के ऊपर आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार आ रहे तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और साथ साथ घंटी का आइकन जो उसको दबा दीजिए, ताकि मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो एक्चुअली मैं अभी अधूरे में छोड़ दिया था बात को। एक्चुअली मेरे को अभी, मैं अमेजन जो है, अमेजन के एफिलिएट जो है, मैं अभी उसको रजिस्ट्रेशन कराऊंगा आपके यहाँ पे। अभी मेरा लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं अमेजन की जो एफिलिएट है उसको रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। कैसे कैसे, मतलब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होती है, अभी बहुत सारे चेंजेस हुआ है अभी ये जो लास्ट मंथ में, तो मैं अभी उसका रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, और साथ साथ आप कैसे अमेजन स्ट्राइब लगा सकते हैं और अमेजन इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम क्या होती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आके बताइए, तो मैं फिर वो वापस एक इन्फ्लुएंसर जो होते हैं अमेजन का, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अमेजन इन्फ्लुएंसर उसको मतलब ऐसा है कि मान के चले हम लोग को अभी एफिलिएट का शुरू कर देते हैं, तो एफिलिएट में क्या होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट को, एक एक प्रोडक्ट को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बदले में कोई, अगर मान के चले मैं कोई मोबाइल फ़ोन अभी मैंने प्रमोट किया, जैसे कि मेरा पास अभी काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो लिंक्डइन हो गया, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग उस लिंक को शेयर करेंगे। ठीक है, अब मान के चले कि उसी लिंक के थ्रू कोई भी बंदा, अगर उसी लिंक के थ्रू कोई भी बंदा अगर वही प्रोडक्ट खरीदता है, तो उस प्रोडक्ट में जितना कमीशन अमेजन के थ्रू डिसाइड किया गया है उतना तो मिलेगा आपको। अगर उस प्रोडक्ट को छोड़ के, अगर मान के चले कि 24 आवर में वो बंदा अभी गया, अभी वो लिंक पे क्लिक किया, अमेजन की साइट पे रिडायरेक्ट हो गया, अभी वहाँ पे जाके वो कुछ खरीदा नहीं, ठीक है, वो वापस आ गया। ठीक है, अभी 24 आवर में अगर वो बंदा वो प्रोडक्ट छोड़ के बाकी कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, तो उसका जो कमीशन है वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे कितना बड़ा चेंजेस है कि जैसे कि आप डायरेक्ट खरीद रहे हैं तो आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, आप ऊपर से पैसा दे रहे हैं, आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है। और सेम चीज़ अगर आप अपना जो, आपका जो प्रोडक्ट चॉइस प्रोडक्ट है, आप उसको खरीदने जा रहे हैं थ्रू किसी और है,
आप खरीदेंगे तो आप उसका कमीशन का पार्ट जो है आप बन सकते हैं। मान के चले कि मेरे को अभी कुछ भी खरीदना है, मान के चले मैं अभी जैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, शूट वगैरह कर रहा हूँ, मेरे को एक ट्राईपॉड की जरूरत है, ठीक है, जबकि मेरे पास अभी 2 दिन ट्राईपॉड पहले से ही है, पर अब मान के चले मेरे को एक ट्राईपॉड की जरूरत है, तो मैं ट्राईपॉड खरीदूंगा, तो मैं किसी दोस्त को या तो यार दोस्त को मैं लिंक भेज दूंगा, जो ट्राईपॉड मेरे को पसंद आएगा मैं उसी का लिंक किसी यार दोस्त को भेज दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने किसी यार दोस्त को मेरा लिंक जो भेज दिया, अगर वो बंदा को मैं बोलूंगा यार ये ट्राईपॉड जो तू खरीद लेना और तू ऑनलाइन से मंगा लेना, मैं तेरे को पैसा दे देता हूँ, ठीक है, जितना पैसा उस ट्राईपॉड का होगा मैं उतना पैसा उसके अकाउंट में डाल दूँ, या फोन पे कर दूँ, या तो कैश ऑन डिलीवरी होगा तो उसको मैं कैश दे दूँ, तो उसमें से क्या होगा कि आपका लिंक जो है आपने दिया उस बंदे को, सामने वाले को, और सामने वाला क्या किया उसको खरीद लिया, ठीक है, पर सामने वाला किसके लिए खरीदा, आपके लिए खरीदा है, ठीक है, आपके लिए खरीद रहा है फिर भी आपको वापस कमीशन मिल रहा है। अगर वही चीज़ अगर आप खुद करेंगे तो शायद वो कमीशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर चल के सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर जाएंगे तो हो सके कोई भी स्टेप आपसे मिस हो सकती है, ठीक है। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अभी मैं आपके पास जो भी ब्राउजर होगा, जैसे कि क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, या तो फिर आपका इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया, कोई भी ब्राउजर होगा, तो आप उसमें आके गूगल पे आ जाइए, ठीक है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आप अमेजोन, ठीक है, अमेजन सर्च कीजिए। जैसे आप अमेजन सर्च करेंगे, ये अमेजन www.amazon.in, ये इंडिया का अमेजन साइट है, ठीक है। आप ये अमेजन पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप आके आप ये जो इंडिया जो है साइट जो है, ये amazon.in जो है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप अमेजन इंडिया जो साइट है, आप उस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, आप नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिकम आन एफिलिएट, ठीक है, ये बिकम आन एफिलिएट पर क्लिक करना है आपको। बिकम एन एफिलिएट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हम लोग को अभी अकाउंट जो है एफिलिएट वाला वो बना रहे हैं, जबकि मेरा पहले से है जो मैं साइन इन कर सकता हूँ, पर मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी साइन अप पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे आपका ईमेल के थ्रू साइन इन करना पड़ता है, साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा। देखिए मैं वापस आपको चल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइन अप पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन अप पे आप जैसे क्लिक करेंगे, आपको ये वाला इंटरफेस मिलेगा। आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको न्यू टू अमेजन, तो यहाँ पे क्रिएट योर अमेजन अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपका जो नेम है आप उस अपना नेम डाल देना, यहाँ पे आपका ईमेल टाइप कर देना, ठीक है। पासवर्ड जो है एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा आप दे सकते हैं, पर वो 6 कैरेक्टर एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड डाल दूँगा, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड रिटाइप अगेन कर दीजिए, यहाँ पे आप देखिए कि ये क्रिएट योर अमेजन अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा,
यहाँ पे एक OTP आया है आपका, ईमेल पे एक OTP भेजा गया है, आप उसको OTP को वेरीफाई करना है। मैंने पहले से मेरा ईमेल जो है उसको लॉगिन कर रखा था। अभी देखिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि अभी वेरीफाई योर न्यू अमेजन अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। ये जो OTP है 515299, ठीक है, ये वाला OTP यहाँ पे डालने के बाद फिर ये क्रिएट योर अमेजन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया आपकी अमेजन एसोसिएट्स क्रिएटिंग योर अमेजन एसोसिएट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपका जो पे नेम है, मतलब आप अगर आपका अकाउंट बना रहे हैं तो आपका जो कमीशन मिलने वाला है वो किसी नाम से आप अकाउंट को, किसी अकाउंट का क्रेडिट होगा, जिसका अकाउंट को क्रेडिट होगा उसी का नाम डालिए यहाँ पे। और आपका जो एड्रेस है वो आप एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पे आपका सिटी डाल दीजिए, यहाँ पे जो आपका जो स्टेट है वो डालिए। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पोस्टल कोड है, जिप कोड है, उसको डाल दीजिए। और यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है उसको डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद वो मतलब जो कंट्री है वो मतलब ऑटो पॉपुलेटर ले लेता है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, ठीक है। द पे लिस्टेड अबव आप कर दीजिए, क्योंकि समवन एल्स आप करेंगे तो आप किसी और को राइट्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे द पे लिस्टेड अबव यहाँ पे ये कर दीजिए चेक मार्क, ठीक है। फॉर US टैक्स पर्पस आर यू US पर्सन, आप US का पर्सन नहीं है तो US का कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, तो आप यहाँ पे नो करिए, ठीक है। नो करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ रहा है योर वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप्स, ठीक है। आपका पास कोई वेबसाइट है या तो कोई मोबाइल ऐप्स है तो आप यहाँ पे उसका लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अभी प्रमोट किस पे कराएंगे तो मतलब अमेजन जो आप एफिलिएट जो बना रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है आप कहाँ पे उसको प्रमोट कराएंगे, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका जो भी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सिर्फ वेबसाइट मतलब से सबका पास तो वेबसाइट होता नहीं है, तो जो लोग प्रोफेशनल ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं या तो फिर ई कॉमर्स वगैरह करते हैं उन लोगों का पास होता है, बाकी लोगों का पास नहीं होता है या मेंशन के पास। तो आप यहाँ पे सबको ही आजकल में आजकल जो है कि सबको ही यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, तो आप यहाँ पे कोई भी लिंक डाल दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, मेरा एक मैंने एक ब्लॉग स्पॉट फ्री में एक गूगल का ब्लॉग बनाया था, मैंने यहाँ पे ये डाल रहा हूँ, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और कोई साइड है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जितना डाल सकते हैं आप डालिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मोबाइल आपका पास मोबाइल ऐप जो है वो है नहीं तो आप फिर उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद आप फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जिससे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप देखिए कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे टिक मार्क आ गया, अभी वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप लिस्ट पे टिक मार्क आ गया, अभी दो ही स्टेप बाकी है, ठीक है। अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि व्हाट इज़ योर प्रीफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी, ठीक है। आपका स्टोर आईडी जो है आप क्या रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से दीजिए। ठीक है, और ये वेबसाइट जो आपने आप ले लेगा, ठीक है। और ये और मोबाइल ऐप लिस्ट, यहाँ पे तो कोई मोबाइल ऐप हम लोग का है ही नहीं, तो फिर वापस आई यहाँ पे व्हाट आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स अबाउट, आपका जो ये जो यहाँ पे जो आपने जो फेसबुक हो गया, ब्लॉग स्पॉट हो गया, वो सब साइट जो ऐड की और वेबसाइट लिस्ट पे अब जब ऐड कर चुके हैं, तो वो आपका जो ब्लॉग है
वो किसी बारे में आपने लिखा है ब्लॉग पे, या तो फिर आपका जो फेसबुक आईडी है वो पर्सनल है, या कोई बिजनेस के लिए कोई पेज या ग्रुप है उसको यहाँ पे लिखे। मैं कुछ यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ ऐसे ही टाइप कर रहा हूँ, पर आप अपने हिसाब से प्रॉपरली लिख लेना कि आपको आपका जो फेसबुक आईडी है वो आप किसी बारे में वहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। आप उसी को आराम से लिख लेना आपके हिसाब से। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख लेना। मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा मतलब रफली कुछ के एल करके टाइप कर दिया। तो आपका जो ब्लॉग है या तो जो भी वेबसाइट है, या तो फिर आपका जो फेसबुक आईडी है, या तो फेसबुक पेज है, या तो फेसबुक ग्रुप है, आप वहाँ पे आप किसी बारे में वहाँ पे बता रहे हैं वो सब चीज़ें आप डाल दीजिए, ठीक है। आने के बाद फिर यहाँ पे देखिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स, ठीक है। यहाँ पे आप प्राइमरी सिलेक्ट कीजिए और सेकेंडरी भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो वेबसाइट है वो किसी बारे में है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पे आदर्श कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आने के बाद मैं अभी ये आपका जो भी है जिस रिगार्डिंग आप वहाँ पर आर्टिकल वगैरह जो भी आप कर रहे हैं तो आप वो सब लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आप चेक मार्क कर सकते हैं। मैं दोनों पे यहाँ पे अदर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे तो अभी उसके नीचे वाला पे आ जाइए और यहाँ पे दिखा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ अमेजोन आइटम डू यू इंटेंड टू लिस्ट ऑन योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स, ठीक है। मैं जैसे कि आपका यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप कौन से अमेजन का जो आइटम है आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप जो प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहेंगे और उसी प्रोडक्ट को आप डाल सकते हैं, या तो फिर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप हमेशा प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहेंगे तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी आ रहा है कि व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स, ठीक है। आपका जो मोबाइल ऐप है तो वेबसाइट है वो क्या है। मैंने एक्चुअली ब्लॉग का लिंक डाला तो मैं यहाँ पे ब्लॉग डालूँगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सोशल मीडिया पेज और ग्रुप, ठीक है। जैसे कि मैंने एक ब्लॉग स्पॉट का डाला हूँ smsastabazar.blogspot.com, ये मेरा एक मैंने एक ब्लॉग को डेवलप किया था जैसे कि HTML फॉर्मेट में, तो ये फ्री ब्लॉग है फिर भी मैंने इसको डेवलप किया। तो मैं यहाँ पे एक तो ब्लॉग डाल दिया और दूसरा जो डाला फेसबुक पेज है वो यहाँ पे डाल दिया सोशल मीडिया पेज और ग्रुप, ठीक है। ये डालने के बाद आप ट्रैफिक और मोनेटाइजेशन पे आइए, ठीक है। यहाँ पे आपको डालना क्या है कि देखिए हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, आप कैसे ट्रैफिक को मतलब आपको जो जैसे होता है ना कि आपका मान के चले 10 वेबसाइट है, आप एक ही वेबसाइट को फोकस करके ट्रैफिक पूरा ट्रैफिक को आपका जो जितना पब्लिक है आपका साइड पे आ रहा है या तो फिर आपका फेसबुक पेज में जितना पब्लिक है आप कैसे ड्राइव मतलब उसको जो है कि आप ट्रैफिक कैसे आपका वेबसाइट पे ड्राइव करेंगे, मतलब कैसे पूरे के पूरे ट्रैफिक आपका जो है आप वेबसाइट पे कैसे लेके आएंगे, या तो फिर आपका ब्लॉग हो गया या तो फिर आपका कोई मतलब सोशल मीडिया पेज हो गया ग्रुप हो गया जो भी है आईडी है जो भी है आप कैसे उसको पूरे जो पूरे के पूरे ट्रैफिक आप जहाँ पे ये प्रमोट करेंगे प्रोडक्ट को वहाँ पे कैसे ट्रैफिक को ड्राइव करेंगे पूरे के पूरे ट्रैफिक, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे डाल रहा हूँ कि ईमेल मार्केटिंग हो गया और सोशल नेटवर्क्स, ठीक है, और SEO हो गया, ब्लॉग हो गया। मैं डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग तो नहीं करना नहीं है क्योंकि ठीक है, और यहाँ पे पेड सर्च बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि हम लोग को अभी फ्री में करना है तो पेड में क्यों जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे अदर्स पे डाल दीजिए, ठीक है, चार पांच आपको जैसे लगता है वैसे डाल दीजिए फिर, ठीक है। हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड ऐप्स टू जनरेट इनकम, ठीक है। आपका जो वेबसाइट है और ऐप है इसको कैसे करेंगे मतलब जनरेट करेंगे जो इनकम है आप वहाँ पे कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अदर इनका अफिलिएट प्रोग्राम कीजिए, ठीक है, और सेकेंडरी पे देखिए यहाँ पे सेम चीज़ डाल दीजिए।
और ये वाला देखिए अभी हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक, ठीक है आपका लिंक जो है कैसे बिल्ड करना है, आप HTML एडिटर में करना है, मैनुअली टेक्स्ट एडिटर में करना है, अदर्स में करना है, ठीक है यहाँ पर HTML पे कीजिए, क्योंकि आपका जो आप जब Amazon में मैं आपको जाके दिखाऊंगा वहाँ पे जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा मैं वहाँ पर जाके दिखाऊंगा कि एक्चुअली जो लिंक बिल्ड होता है वो एक्चुअली ये HTML एडिटर में होता है, ठीक है आप यहाँ पर ये HTML एडिटर कीजिए, ठीक है आप अदर्स भी कर सकते हैं कोई इशू नहीं है, आप अदर्स कीजिए कोई इशू नहीं है, पर आप HTML भी कर सकते हैं। हाउ मेनी टोटल यूनिक यूजर्स डू योर वेबसाइट एंड एप्स गेट फॉर मंथ, आपका वेबसाइट और आपका जो पेज है या सोशल मीडिया पेज है, आपका वेबसाइट है या तो आपका ब्लॉग है, कितने मतलब कितने पब्लिक आपका मंथली विजिट कर रहे हैं, ठीक है जैसे आपका लेस देन 500 500 के आसपास लोग 500 के अंदर लोग विजिट कर रहे हैं तो ठीक है। तो मेरा अभी मैं ये लिखूँ यहाँ पे मैं फ्रॉम 501 टू 5000 तक करूँगा क्योंकि मेरा इतना ही आ रहे हैं, ठीक है और मेरा फेसबुक जो मैंने पेज बनाया वहाँ पे करीब 5000 की पब्लिक है अभी मेरा फ्रेंड लिस्ट में, तो इसलिए मैंने 500 से 5000 किया, ठीक है और मेरा ब्लॉग पर भी उतना ही ट्रैफिक आ रहा है तो मैं ये सब किया। व्हाट इज योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइनिंग द Amazon एसोसिएट प्रोग्राम, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है व्हाट इज योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइनिंग द Amazon एसोसिएट प्रोग्राम, ठीक है यहाँ पे आपको करना क्या है कि सॉरी मोनिटाइजमेंट साइट, ठीक है और अदर्स, ठीक है आप आपका प्राइमरी रीजन क्या है, एक्चुअली आप Amazon जो एसोसिएट अकाउंट बना रहे हैं उसका मकसद ये है कि आपको एफिलिएट लिंक जनरेट करके पैसा कमाना है, ठीक है तो मोनिटाइजमेंट साइट या तो फिर अदर्स भी कर सकते हैं, ठीक है तो मैं यहाँ पे मोनेटाइज माई साइड कर रहा हूँ, ठीक है। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस आपको कैसे पता चला कि आप ये Amazon का जो एसोसिएट सेंट्रल अकाउंट जो है एफिलिएट अकाउंट वो बनाते हैं, ठीक है आप ये यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ कर सकते हैं या तो ऑनलाइन सर्च कीजिए, ऑनलाइन सर्च करेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे जो कैप्चा दे रखे हैं इसको फिल आउट करना है आपको, ठीक है मैं एक बार कैप्चा फिल आउट कर रहा हूँ, ठीक है फिल आउट करने के बाद यहाँ पे ये जो इन लोगों का जो टर्म कंडीशन से प्राइवेसी पॉलिसी है यहाँ पे चेक मार्क करना है और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना आपको, ठीक है अभी हम लोग का तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है और यहाँ पे देखिए अभी ये दिखा रहा है थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू द Amazon एसोसिएट प्रोग्राम, ठीक है स्टार्ट यूजिंग एसोसिएट सेंट्रल, ठीक है यहाँ पे दिखा रहा है आपका जो यूनिक आईडी ये बहुत मायने रखता है क्योंकि ये वाला जो आईडी है आप इसी आईडी के थ्रू आप Amazon जब मैं आगे जाके आपको और दूसरे वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर बोलूँगा आपको कि एक्चुअली ये जो स्टोर आईडी है ये बहुत मायने रखता है क्योंकि आपको करना क्या है कि अगर आप Amazon इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं या तो फिर आपका जो Amazon का कोई भी मतलब अभी वन लिंक जैसे हो गया अभी जीनियस लिंक हो गया जैसे कि आप यहाँ से तो ये तो इंडिया का अकाउंट हो गया आप US में कनाडा में या तो फिर फ्रांस जापान ऐसे 6-7 कंट्री आप जहाँ पे पूरा मतलब ग्लोबली टारगेट कर सकते हो कि पब्लिक को आप वहाँ पे अगर जाएंगे तो अगर जीनियस लिंक हो गया वन लिंक हो गया उसमें अगर आपको ऐड करना है तो स्टोर वाइड बहुत मायने रखता है, ठीक है आप स्टोर वाइड कहीं पे लिख सकते हैं, ठीक है एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है अगर अभी ये आपको पेमेंट डिटेल जो जैसे कि आप किसी मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट रिसीव करेंगे जो भी है आपका पेमेंट गेटवे जो भी रहेगा यहाँ पे आप क्लिक करके ये नाव पे जाके कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग उसको लेटर करके फिर बाद में हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है मैं अभी इसको लेटर कर रहा हूँ, देखिए मेरा अभी जो है यहाँ पे अभी मेरे को ये शो कर रहे हैं कि मेरा Amazon सेंट्रल जो है वो एक्टिवेट है, देखिए यहाँ पे मेरा स्टोर आईडी जो है यहाँ पे देखिए मैं जो स्टोर आईडी के बारे में बता रहा था यहाँ पे ये स्टोर आईडी आ चुका है, अभी हम लोग जाएंगे होम पेज पे, ठीक है जो आपने बनाया इंडिया का आईडी तो देखिए अभी जितना क्लिक्स वगैरह होगा आपका अर्निंग जितना होगी तो यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है ये आपका रहा यहाँ पे आप जाके ये इसका जो फीस वगैरह है उसको देख सकते हैं,
देखिए अभी ये वाला आ गया, अभी ये जो है अभी मैं जो इसे बोल रहा था, ये आपका जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अमेजोन एसोसिएट साइज ड्राइव, ठीक है ये लिखा हुआ आना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो गेट लिंक जो टेस्ट में आना है भी बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ पे मान के चलिए मैं ये वाला मोबाइल सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, या तो फिर मैं कोई भी चीज़ें यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, मान के चलिए मैं कोई मोबाइल को प्रमोट करूंगा अभी, देखिए मान के चलिए ये वाला मैंने मोबाइल को प्रमोट करना है मुझे, यहाँ पे मैं ये सब मतलब ये ऐसे मैंने क्लिक करके आने के बाद कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ऐड टू कैट करके बाय नाउ पे क्लिक करके हम लोग उसको मंगाते हैं या तो ख़रीदते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, अभी टेस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये टेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक लिंक जनरेट हो के आएगा, ठीक है। देखिए ये वाला जो लिंक है आप इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद आपको आपका जो वेबसाइट है जो ब्लॉग है आप ब्लॉग या तो फिर फेसबुक पेज है आप वहाँ से मतलब क्लिक करके पेस्ट करके फिर इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं या तो इधर से ऐसा कॉपी करके ये वाला जो लिंक जनरेट होगा इसको कॉपी करके फिर आपका जो फेसबुक पेज हो गया, आपका व्हाट्सअप हो गया, लिंक्डइन हो गया, जो भी सारा आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या तो कोई वेबसाइट है क्या कोई ब्लॉग है तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। वेबसाइट या ब्लॉग के लिए आपको इमेज वगैरह चाहिए होगा तो आप यहाँ से इमेज वगैरह उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जैसे कि मान के चलिए अभी ऐसा इमेज पे जाएंगे, अभी सेव एज करेंगे इमेज को, ये देखिए अभी राइट क्लिक करने के बाद सेव इमेज आ जा रहा है। तो आप ये डेस्कटॉप पे सेव करके आपका जो व्लॉग है उस पे पोस्ट का दूसरे तरीके से होगा और आपका जो वेबसाइट है वो भी दूसरे तरीके से होगा। और आप यहाँ से जो लिंक उठाएंगे ये वाला जो टेस्ट हो गया इमेज, आप टेस्ट लिंक गेट लिंक करेंगे तो टेस्ट पे जाएंगे तो सिर्फ टेस्ट मिलेगा, इमेज पे जाएंगे तो सिर्फ इमेज का लिंक मिलेगा आपको, ठीक है। और टेस्ट और इमेज पे जाएंगे तो दोनों का लिंक मिलेगा, ठीक है। देखिए अभी ये वाला लिंक आ रहा है, ठीक है, मैं स्मॉल कर रहा हूँ, लिंक थोड़ा छोटा हो गया। अभी सेम चीज़ है यहाँ पे, अभी टेस्ट और इमेज पे जाएंगे तो उसका भी लिंक मिलेगा आपको, ठीक है। आप कोई भी लिंक यहाँ से उठा के वहाँ से मतलब आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप वहाँ पे जाकर डाल सकते हैं। देखिए ये वाला लिंक आएगा, अभी यहाँ से सेम चीज़ सेम प्रोसेस है यहाँ पे कॉपी करने का, तो डाल सकते हैं वहाँ पे। डालने के बाद उसको पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई बंदे उसके थ्रू मान के चलिए कि आपका जो अमेजन मतलब जो लिंक आप दे रखे हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या तो फिर व्हाट्सअप हो गया, कोई भी सोशल मीडिया आप दे रखे हैं, कोई भी बंदा अगर उसको ऊपर क्लिक करके अगर कुछ खरीदता है तो उसका जो कमीशन पार्ट है जितना कमीशन होगा उतना उसका जो कमीशन पार्ट होगा उतना आपको मिलेगा। आपको कमीशन पार्ट कैसे दिखना है मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप ये वाला पेज पर आने के बाद आपका जो एसोसिएट सेंट्रल है आपका एफिलिएट जो प्रोग्राम है यहाँ पे आने के बाद आप ये अर्निंग पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जैसे अर्निंग पे क्लिक कीजिएगा आपको ये वाला इंटरफेस खुल के मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आके यहाँ पे देखिए अभी रिपोर्ट पे आइए, ठीक है। ये रिपोर्ट पे आने के बाद आप यहाँ पे देखिए रिपोर्ट पे आने के बाद आपको ये फी शेड्यूल दिख रहा है यहाँ पे, ये फी शेड्यूल पे क्लिक करेंगे आप। फ्री शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जो किचन एफ्लुएंस में कितना परसेंटेज मिलेगा कमीशन, जो भी है फर्नीचर आउटडोर और ग्रोसरी होम बेबी बहुत सारे ऑटोमोबाइल से बहुत ऑटोमेटिक से टेलीविज़न वगैरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, बहुत सारे प्रोडक्ट है अमेजन पे आप लोग को ही पता है। यहाँ से आपको जीरो से लेकर नौ तक नाइन तक आपका जो परसेंटेज है कमीशन ऑफ परसेंटेज वो सो मिलने वाला है, ठीक है। तो जो चीज़ें कर रहा हूँ जैसे कि अमेजन इन्फ्लुएंसर हो गया, अमेजन एफिलिएट हो गया, जे बी जी हो गया, शॉपिफाई हो गया और बहुत सारे ऐसा साइड में मैं काम करता रहता हूँ और उसके बदले में मेरे को पैसा भी मिलता है। ऐसा नहीं कि मैं फोकड़ में कर रहा हूँ, मेरे को पैसा भी मिलता है। तो मैं आपको वो लाइव प्रूफ ज़रूर दिखाऊंगा। अगर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करेंगे
कि भाई आपका जो आप कुछ कमाए हैं तो उसका लाइव प्रूफ दे दीजिए। एक्चुअली क्या है कि मैं अमेजोन जो एफिलिएट है प्रोग्राम है उसमें ज़्यादातर काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ मैं दूसरे पे मतलब दूसरे काम कर रहा हूँ अभी। तो जैसे कि मेरा ऑफिस में अभी मैं जीएसटी वे हो गया आपका, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। एक्चुअली मेरा 15 साल के एक्सपीरियंस है अकाउंट्स और टैक्सेशन में, और ऊपर से मैं ये एक छोटा सा ऑफिस बनाया मैंने, और यहाँ पे कि मेरे को बहुत सारे क्लाइंट को सर्विस देना पड़ता है, जीएसटी अकाउंटिंग टैक्सेशन हो गया। तो इसके चक्कर में आगे ना मैं कभी कभी टाइम उतना नहीं दे पा रहा हूँ कि अमेजन पे। पर अगर मैं आपको यहाँ पे जरूर बोलूँगा, अगर आप दिन में अगर 2 से 3 घंटा अगर आप कंपलसरी दे रहे हैं तो आप इसको एक पार्ट टाइम इनकम मान के चल सकते हैं, ठीक है? अगर 2 से 3 घंटा दे रहे हैं तो, नहीं तो आप आज कर दिए या कल छोड़ देंगे, कल को छोड़ देंगे या 4 दिन के बाद याद आया फिर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको रेगुलरली कंसिस्टेंसली करना पड़ेगा वो सब चीज़, ठीक है? अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी अगर रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो बहुत सारे चीज़ें हैं। जैसे कि मान के चले कोई भी आप देखेंगे कि आप कुछ भी चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं तो उसका मतलब नीचे 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 करके 10-12 पेज ऐसे खुल के आ जाता है। वो क्या चीज़ है एक्चुअली? वो एक्चुअली एसईओ ऑप्टिमाइजेशन होता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं एसईओ ऑप्टिमाइजेशन मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? उसको शॉर्टकट में एसईओ बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि मान के चलिए मैं अभी गुड मॉर्निंग मैसेज अभी सर्च किया, गुड मॉर्निंग मैसेज, तो वहाँ पे अभी मेरे को 15-20 पेज गूगल जो है वो दिखा देता है, ठीक है? वो स्क्रॉल बन के आप नीचे 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 आएंगे तो आपको हर एक चीज़ मिलते जाएगा, और हर मतलब हर एक चीज़ का वहाँ पे, अगर आपका पास अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो मैं वहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करूँगा आपको, तो वहाँ पे जो क्यूआर का जो टूल होता है अगर आप जानते हैं यूज़ करना तो आपको मिल जाएगा कि एक्चुअली वो सर्च वॉल्यूम जो है वो कैसा मतलब कैसा काम करता है, ठीक है? और या तो फिर आप गूगल आर जिनका है अभी जो लोग यूट्यूब बनाना चाहते हैं या तो फिर बना रहे हैं विगनर्स हैं तो आप वहाँ से गूगल आर जो है वहाँ पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि गूगल ट्रेंड जो है वो काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि मान के चलिए कि कोई भी एक ट्रेंड चल रही है, ठीक है? मान के चलिए कि कोई भी चीज़ अभी 2014 का चल रहा था तो हमने अभी वो एक्चुअली अभी लोग उसको सर्च कर रहे हैं या फिर नहीं, वो सब देखने के लिए हम लोग को अभी गूगल ट्रेंड पे जाएंगे। वहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे तो वहाँ पे वो सारी चीज़ दिखा देगा कि एक्चुअली आज के डेट में वो पब्लिक उसको सर्च कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, ठीक है? ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्री में कैसे आर्टिकल वगैरह लिख सकते हैं और आर्टिकल लिखने का तरीका क्या है, और आप जैसे कि कोई भी वेबसाइट हो गया आप उसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे उस पर एक अच्छा खासा थीम लगा सकते हैं, वो अपने हिसाब से कैसे HTML PHP और बहुत सारे चीज़ है जो आप वहाँ पे जाके मतलब गैजेट वगैरह वो सब लगा सकते हैं, ठीक है? HTML हो गया, JavaScript हो गया, PHP हो गया, बहुत सारे चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। पर मेरे को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि मैंने इतने मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ और रात को अभी करीबन अभी 11:30 के आसपास हो रही है, तो उसमें ना पब्लिक का उतना इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। पर सब मेरे को समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली कहाँ पे मेरा जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली कहाँ पे क्रिएट हो जाता है मेरे को पता नहीं है। अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आके बताएंगे, थोड़ा बहुत सजेस्ट करेंगे कि नहीं संतोष भाई आपका ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे आपका वीडियो में क्लैरिटी नहीं है, या तो आपका वॉइस नहीं आ रहा, या तो फिर आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पे तो कुछ प्रॉब्लम है जो मुझे समझ की मतलब मेरा समझ के बाहर है वो, तो आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में थोड़ा बहुत तो सजेस्ट कर सकते हैं आपका अवेलेबल टाइम कैसे मतलब थोड़ा बहुत निकल के आपका जो अवेलेबल टाइम है उसको थोड़ा निकल के मेरे लिए कमेंट बॉक्स में आके मेरे को कमेंट कर दीजिए कि मेरा वीडियो पे जो कहाँ पे कुछ तो मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है जो मेरे समझ के बाहर है, ठीक है? आप मेरे को वीडियो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, फिर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग चाहते क्या चीज़ें, ठीक है? आप अगर आपको ये टॉपिक छोड़ के अगर आपको कोई भी टॉपिक में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको बारीक से एकदम बारीक बारीक से मैं आपको समझाऊँगा। पर
आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करेंगे तो फिर मेरा जो है कि इंटरेस्ट कहीं ना कहीं जनरेट होगा, ठीक है। तो अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घंटी का आइकन उसको प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।